मैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल, कैंसर स्पेशलिस्ट और प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स। मैं सबका आपको नमस्कार कहना चाहता हूँ और कोरोना के इस भयानक काल के अंदर मैं कुछ थोड़ी बातें करना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से अपन बचा सकते हैं। आपने तो सुन के आप परेशान हो गए होंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है या हाथ धोना है या मास्क पहनना है, वो तो सब अपने लिए बहुत ज़रूरी है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ अभी बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे दो चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, एक अपने खान पान पर और दूसरा एक्सरसाइज के ऊपर। हमको बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इम्यूनिटी है, जो हमारी लड़ाई लड़ने की जो शक्ति है वो हमारी बढ़ती है यदि हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हम उसके अंदर वॉकिंग, जॉगिंग जो कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि अपन सड़कों पे जाएं, अपन घर में ही कमरे में भी स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, अपन स्किपिंग कर सकते हैं, अपने पास रस्सी हो तो रस्सी कूद सकते हैं, और अपन सारी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ योगासन हैं, प्राणायाम हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनके यहाँ छत है तो ऊपर खुले में छत में जाके कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, या कोई बाहर थोड़ा बहुत अपना धूप में निकल सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं, तो हमको धूप में निकलेंगे तो हमको विटामिन डी भी मिलेगा जो कि हमारे लिए बहुत ही एक एसेंशियल विटामिन है। तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, हमारा खान पान पर भी हमको बहुत इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी जितनी साइंटिफिक स्टडीज़ आ रही हैं उसमें ये पता लगा है कि 90-95% जो कोरोना के जो पेशेंट्स जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं या जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, या जो इस बीमारी से काल ग्रसित हो चुके हैं, उन सब के अंदर एक कॉमन फैक्टर देखने में आ रहा है और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि उन लोगों को डायबिटीज़ के पहले की अवस्था, या तो उनको डायबिटीज़ थी उनको, या डायबिटीज़ के पहले की अवस्था है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। और उसमें क्या होता है कि प्री डायबिटीज़ में हमारा शुगर लेवल तो ठीक रहता है लेकिन हमारा ओवरऑल, या तो हमारा वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है हमारा वेट, हमारा फैट कंटेंट बॉडी का ज़्यादा है, हमको थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है उसके कारण, या हार्ट की डिजीज़ है, और या हमारे लिपिड लेवल्स ख़राब हैं। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ों के अंदर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसी कारण हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, हमको एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हमको कैंसर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी जो जननी है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसको कम करने के लिए हमको दो बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, एक हमको क्या नहीं खाना चाहिए और दूसरा कब खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए मैं हमको इस टाइम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको सबको कि हम शुगर्स को ज़्यादा नहीं लें। यदि जैसे ही हम कोई भी शुगरी आइटम लेते हैं तो उससे हमारा 8 से 10 घंटे हमारी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है शुगर से। तो हम कम से कम जितने शुगर्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, उसको अवॉइड करें। हम प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें, जो मैदा से बनी चीज़ें हैं, जितनी तली चीज़ें आती हैं जिसमें प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको अवॉइड करें। और तीसरा, जो सीड ऑयल्स हैं, जितने सीड ऑयल्स जो मिलते हैं, चाहे वो अपना मूँगफली का तेल है कि जो सनफ्लावर ऑयल है, यदि इन चीज़ों से जितने सीड ऑयल्स हैं वो उनसे यदि हम बचें, क्योंकि उन सीड ऑयल्स के अंदर भी इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। और यहाँ पे एक और मैं हिदायत देना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए, फ्रूट्स बेशक अच्छे होते हैं लेकिन उसमें आप उनको अवॉइड करना चाहिए कि जो शुगरी फूड्स हैं जिसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, बहुत मीठे आम, बहुत मीठा केला, बहुत मीठा अपना तरबूज, इन सब में शुगर्स बहुत ज़्यादा होती है, इन सबको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और कम शुगरी फ्रूट्स आप खाएं। और जूसेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि जूस लेते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स का जो फ़ायदा है उसके पल्प में, उसके फाइबर में है, तो यदि आप उसके जूस लेते हैं तो वो आपको सिर्फ शुगर्स के अलावा ज़्यादा कुछ मदद नहीं करता है, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें कि क्या नहीं लेना चाहिए, ऑफकोर्स इसके अंदर शराब और सिगरेट और ये तो सबको पता ही कि ये सब हमको, ये पॉइजन से, जितने हम पॉइजन से दूर रहेंगे उतने अच्छा हमारा स्वास्थ्य हो पाएगा। और इसके अलावा अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, पिछले 10 सालों से जो पता लगा है, जो रिसर्च आई है कि कब खाना चाहिए हमको, पैटर्न ऑफ ईटिंग, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि हमको सिर्फ खाने का जो समय है हमारा, वो नहीं कि सुबह से उठ के रात तक हम दिन में 4 बार 6 बार 8 बार खाते ही जाएँ उसको, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण है दिन में 6 बार खाना, 8 बार खाना। आजकल के यंगस्टर्स स्नैकिंग करते हैं,
हमको भी जब पता नहीं था तो हम भी लोगों को बोलते थे कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, बट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स ने क्या क्रिएट करा है कि हमको एक हवॉक क्रिएट करा है डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का और मोटापे का, ओबेसिटी का। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको बार बार नहीं खाना है, इसके टाइम को हमको लिमिट करना है। शुरुआत में हम यदि सबसे पहला काम है इसके अंदर हम स्नैकिंग को दूर कर दें तो हम सिर्फ 3 मील पे ध्यान दें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। यदि हम सुबह 9 बजे उठ के ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर में 2 बजे हम लंच लेते हैं और रात को 8-9 बजे हमारा डिनर होता है, तो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हमारा 12 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा। यह हमारी शुरुआत करनी चाहिए। कुछ दिन तक आपको स्टिक करें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे करें, फिर कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट जो सुबह 9 बजे लेते हैं उसकी जगह 10 बजे लें, 10 का उसको 11 करें। और उसमें यह भी बताना चाहूँगा कि यदि चाय सुबह उठ के लेते हैं, जो बेड टी कहलाती है, कई लोग सुबह उठते से चाय लगती है, बेशक चाय बहुत अच्छी चीज़ है, चाय कॉफ़ी, लेकिन उसको कोशिश करें कि उसके अंदर शक्कर और दूध दोनों नहीं डालें। इट शुड बी आइदर ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी और हर्बल टी। तो ये जब आप लेंगे ब्लैक टी और हर्बल टी लेंगे या ग्रीन टी लेंगे बिना शक्कर के और बिना दूध के, तो वो फ़ायदा करेगा। तो आप क्या है कि रात को यदि आपने 9 बजे खाना खाया और सुबह आपने ब्रेकफास्ट को सुबह 9 की जगह यदि 11 बजे करा, तो आपका 14 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा। तो आपका जो ईटिंग विंडो 10 घंटे का हो जाएगा। इसको बढ़ा के अपन को करना है 16-8, वहाँ से हमको बहुत अच्छा फ़ायदा शुरू होने लग जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड 16-8 पैटर्न ऑफ ईटिंग। मतलब हम 8 घंटे में खाना खाएं, कि हम यदि दोपहर में 1 बजे खाना खाएं और रात को 9 बजे खाएं, या दोपहर को 12 बजे खाएं और रात को 8 बजे खाएं, तो 8 घंटे के अंदर हम खाना खाते हैं तो रात को 8 बजे से अगले दिन 12 बजे तक 16 घंटे हो जाते हैं। और ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमको ऑटोफेजी चालू हो जाती है और ऑटोफेजी से हमारे किलर सेल्स बढ़ जाते हैं, और वो इवन यदि कोरोना का यदि वायरस या कोई बैक्टीरिया आता है अंदर, या इवन कैंसर सेल आता है अंदर, तो उसको ये हमारा ऑटोफेजी जो सिस्टम है बॉडी का, सेल्फ ईटिंग सिस्टम है, उसको ये मारने में मदद करता है। तो आप सब इन बातों को ध्यान दीजिए और इसके अंदर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, इन चीज़ों का भी आप ज़्यादा उपयोग लेंगे तो ये आपको मदद करेगा। तो आप और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ एंड वेरी गुड फ्यूचर। थैंक यू।